आप गुजरात से यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है आपको राजस्थान में जिस प्रकार की कल घटनाक्रम हुआ, सुखदेव सिंह गोगामड़ी की जो हत्या हुई खुलेआम घर में, धोखा हुआ है, धोखे के साथ, विश्वासघात के साथ हत्या की गई सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की। और दुर्भाग्य इस बात का दुर्भाग्य है कि जब पता था कि उन्हें धमकियां मिल रही है तो सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। वो सारी बातें छोड़ो, गोली का जवाब गोली से हमने मांगा है भाई। जो हत्यारे हैं और उनके सूत्रधार हैं, उनका एनकाउंटर हो, ये मांग समाज कर रहा है, तो हम भी उनके साथ ही खड़े हैं। क्योंकि गिरफ्तारियों से होगा क्या, फिर वो जेल से निकल जाएंगे, फिर हत्या को अंजाम देंगे, और निष्पक्षता से जांच होगी तो सूत्रधार तक पहुंचा जा सकेगा, और सूत्रधार का भी एनकाउंटर हो, ये मांग लेके आज समाज यहाँ बैठा है। और मुझे दुख इस बात का है कि सरकारें और जो राजकीय जो प्रशासन है वो अभी तक कहीं भी कोई हरकत में नहीं आ रहा, और सीसीटीवी फुटेज है इनके पास, और इनके पास पूरी जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस है, फिर क्यों अभी तक इन गिरफ्तारियों को अंजाम नहीं दिया जा सका। तो ये तो निश्चित है कि जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है, ये तो शुरुआत है, और यहाँ और बहुत ही संख्या में समाज इकट्ठा होगा और न्याय और अधिकार लेके ही हम मैदान छोड़ेंगे। साहब पूरे भारतवर्ष में बंद का आयोजन होगा, साहब गुजरात नहीं पूरे भारतवर्ष में करणी सेना की स्थापना हो चुकी है, और सुखदेव सिंह गोगामड़ी की ऐसी अस्थि थी जिसने पूरे भारतवर्ष में इस संगठन को बड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मैं तो कहता ये तो छोड़ो, आवश्यकता पड़ी तो संसद भवन को घेरने की भी मैं तो तैयारी रखता हूँ साहब। और ये भारत का क्षत्रिय कमजोर नहीं है, उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया, जिन्होंने भी डाला है गलत जगह डाला है। कोई एक मेरे पास कोई एक ऐसी पोस्ट आई थी जिसके अंदर कोई गोदारा रोहित गोदारा कोई बंदा है, वो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, तो रोहित गोदारा यदि उसके अंदर इतनी हिम्मत होती तो खुद आके लड़ लेता ना। वो दूसरे देश में बैठ के वो यहाँ पे कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं बिल में घुस के यदि वो इन्वॉल्व है तो वो उससे बड़ा नपुंसक तो कोई है ही नहीं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, इतनी सारी हत्याओं का अंजाम ये लोग दे चुके, गैंग वॉर चल रहा है, तो इसका खात्मा होना चाहिए। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में यदि अब क्षत्रियों के आपको वोट चाहिए, लोकसभा चुनाव है, यदि वोट चाहिए तो आपको हमें न्याय देना होगा और इस गैंग वार को खत्म करना होगा, और जितनी भी गैंग है इस भारतवर्ष में उसको अंत लाना होगा, तभी न्याय और अधिकार की बात होगी।